जय माता दी दोस्तों। आज से जो है आपको पता है नवरात्रि शुरू हो रही है। आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है और मैंने जो है अपने घर में अपने हाथों से ही जो है वो दुर्गा माँ की पूजा की है और उसी का एक छोटा सा व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से जो है सबसे पहले मैंने दुर्गा माँ को एक नई चुनरी ओढ़ा दी है। वैसे तो बगल में मंदिर है जहाँ मेरे सारे भगवान एक साथ रहते हैं, लेकिन दुर्गा माता के लिए जो है मैंने अलग से आज एक टेबल पे उनको जो है 9 दिन के लिए रखा है ताकि मैं उनके लिए जो है स्पेशल पूजा कर पाऊँ। और चुनरी चढ़ाने के बाद इस तरह से जो है सबसे पहले मैंने उनके चरणों में जो है वो फूल सजा दिए हैं। दुर्गा माँ को अड़हुल के फूल बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मेरे द्वार पे जो भी फूल थे उनसे जो है मैं माँ की पूजा करूँगी। उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने जो है माँ को सिंदूर लगाया। सिंदूर जो है सिर्फ आज के दिन ही लगेगा, उसके बाद जो है माता रानी की आंखें जब षष्ठी के बाद खुल जाएंगी तो सप्तमी को सिंदूर होगा। जो भी औरतें शादीशुदा होती हैं वो भी आज माँ दुर्गा को सिंदूर लगा के उनके चरणों की सिंदूर जो है अपने मांग में लगाती हैं, उसके बाद सप्तमी के बाद ही जो है वो सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर लगाने के बाद रोली और चंदन भी जो है माँ को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चंदन लगाया। और अब जो है मैं उनके लिए भोग की थाली तैयार कर लूँगी। तो आज पहला दिन है दोस्तों, मैं जल्दबाजी में कुछ जो है पहले से तैयारी नहीं कर पाई थी, इसलिए जितने भी मेवे हैं जो भी ड्राई फ्रूट्स माँ को पसंद हैं उन सबको जो है मैं थोड़ा थोड़ा उनके चरणों में चढ़ाऊँगी। मैं जो है दुर्गा माँ को 2 बार भोग लगाती हूँ, सुबह भी और शाम की आरती के समय भी, और उसी प्रसाद को फिर मैं 9 दिन मैं खुद भी खाती हूँ माँ का प्रसाद समझ के। माँ को भोग के लिए जो है मैंने काजू बादाम किशमिश मखाने नारियल लौंग इलायची जो है माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो बिल्कुल मैं चढ़ाती ही हूँ, और सेब केले और उसके साथ में ही जो है तुलसी का पत्ता ज़रूर माँ के जो है भोग में लगाया जाता है और बताशे। ये करने के बाद मैंने जो है वो दुर्गा चालीसा पढ़ा, आरती पढ़ी। वो वीडियो जो है थोड़ा सा ओवरहीटिंग की वजह से फ़ोन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मेरा। और उसके बाद दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, और उसके बाद मैं जो हूँ नवरात्रि में धूप ज़रूर दिखाती हूँ। कहा जाता है कि गाय के जो गोबर होता है उसके जो उपले होते हैं उसमें अगर आप गूगल करायल और सफ़ेद चंदन जो है वो मिलाकर अगर उससे धूप देंगे, हवन करेंगे घर में, तो घर में जो भी बुरी नज़र होती है या जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, किसी की भी नज़र या जो भी बुराइयाँ आपके घर के अंदर होती हैं वो सारी जो है वो उस धुएँ में स्वाहा हो जाती हैं। इसीलिए मैं जो हूँ सुबह शाम धूप ज़रूर दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने एक छोटी सी धूपदानी में जो है थोड़े से गाय के गोबर के उपले रख लिए हैं और उसमें जो है अब मैं डालूँगी सफ़ेद चंदन, गूगल करायल, और उसके बाद उसमें जो है मैं कपूर डाल के उसे जला लूँगी। थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों में आग लगने में, पकड़ने में थोड़ा पेशेंस का काम है ये, लेकिन इस हवन के बाद जो घर में जो खुशबू आती है, खासकर जो गूगल करायल और जो सफ़ेद चंदन है, जलने के बाद बहुत ही सुंदर खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है। एक भक्ति जैसा जो है माहौल पूरे घर का बन जाता है, बहुत ही शांति और सुकून लगता है इस हवन के बाद। थोड़ा पेशेंस का काम है ये, और इसी से जो है मैं दुर्गा माँ की आरती करती हूँ। इसी आरती के साथ जो है मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा जो है मेरे घर से सारी जो बुराइयाँ हैं, जो बुरी नज़र है किसी की, या जो हमारे मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उन सबको जो है वो इसी धुएँ में जला दें। मेरे पास कुछ थोड़े से फूल बच गए थे इसलिए जो है मैंने भोग का जो कटोरा था उसके चारों तरफ जो है इस तरह से फूल सजा दिया, जो दिखने में थोड़ा सा और सुंदर लगने लगा। उसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की कि जीवन में हमेशा वो मेरा साथ दें, मुझे हिम्मत दें और सही रास्ते पे चलाएं।
और दुर्गा चालीसा को जो है वो प्रणाम करते हुए, उसके बाद जो है मैंने जो भोग लगाया है मैं जल अर्पण करूँगी।